तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, कल तो हमने खूब जम के तो शॉपिंग करी जयपुर में, पूरा दिन, मतलब दो दिन हो गए, रुक नहीं रहे बिल्कुल भी घर में। और सुबह हो गई, 5:30 का टाइम हो गया। तो ये देखो बाहर का व्यू, उधर मेरी भाभी लग रही है जैसे का गोबर फेंकने का। ही देखो ये हमारी गाड़ी खड़ी, और देखो गाइस नींद कितनी सुंदर हो रही है। किसी को अगर सौंफ लेनी है तो ये देखो सौंफ के कट्टे इकट्ठे हो रहे हैं गाइस। देखो ये सौंफ हुई है मेरे पापा के, पता नहीं कितने कट्टे हैं, मुझे इतना नहीं पता, पर बाय कर दो। मामू से फिर तक, मामू बाय, जोर से बोलो बाय मामू, जोर से और जोर से बाय 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 बाय। देख डुगु बाय कर रही थी, देख। तो गाइज हमारा लास्ट गेट हो चुका, और इधर हमारा सोनू भी बैठा है, ये जा रहा है हमारे साथ में छोड़ने। काकड़ खुदा रहा हो या मतलब ये बुआ ने सोनू या कचे ज्यादा लंबो छोड़े चेना, फिर वो अतरा ही लेट आओ चे, फिर अतरी दूर मतलब बहुत दिन आवा आऊंगी मैं। और गाइज ये हमारा नींबू का बगीचा, ये देखो। तो गाइज फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं भाई, जस्ट थोड़ी दूरी पे हमारा फ्लैट है, बस पहुंचने वाले हैं भाई, पहुंच गए मतलब अपने इलाके में। अच्छा, बैंगन पालक घी, और मतलब गई तब तो डिग्गी खाली थी, और आई तब डिग्गी भर क्यों जाती है? देख मिर्ची, ये अपने आ रही थी क्या वहां पे? सौंफ, इसमें भी सौंफ है। डुगु चले, चलो आ जाओ चलो। तो गाइज डुगु का बच्चा सो गया। तो गाइज मैं आपको बता दूं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंच के गाड़ी की डिग्गी कर रहे हैं खाली, ऊपर चलते हैं फ्लैट में क्योंकि थक चुके हैं, और अभी हमें भूख भी लगी है बहुत तेज वाली। तो अभी हम केले का जूस बनाएंगे, फिर मैं होटल पे जाऊंगा, खाना पैक करा के लेके आऊंगा, और फिर हम सारे लोग बैठ के खाएंगे। तो अभी चलते हैं भाई, है ना। सब अपना अपना सामान लेके जा रहे हैं, डुगू अपना डायपर लेके जा रहा है। गाइज मैं होटल से खाना पैक करवा के लेके आया, मैं नहाने घुस गया, और ये चारों के चारों खाने लग गए मुझे छोड़ गया। डुगू तूने मुझे बोला नहीं खाने के लिए? तो गाइज गांव से आने के बाद में नहा धो के अब हो गए रेडी, और पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला, सोई भी नहीं। आपको पता था दिन में मैंने खाना तो ऑर्डर करके मंगवा लिया था बाहर से, और अब डुगु पहले सो ली थी तो मैं सो नहीं पाई थी, फिर अब सारे लोग उठ गए, सब सो सा के सब थक रहे थे गाइज, तो फिर ना भूख लगी, भूख लगने के साथ में मैंने बना लिया इधर मैंगो जूस, ये देखो मैंगो शेक। तो गाइज आम का जूस तो बच्चे भी थोड़ा खुश होके पी लेते हैं। तो गाइज और तो ले गए, ये मेरा और ईशु के पापा का और डोगो का जूस है। तो मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है बाहर, अभी बारिश भी हुई थी, तो मैं बाहर बैठी हूँ बालकोनी में, और जूस के साथ एंजॉय करेंगे बाहर का नज़ारा। और सब लोग निकले हुए हैं, देखो वो भी खा रहा है, आम ही खा रहा है ईशा वो भी। तो गाइज बाहर का कुछ ऐसा व्यू है। तो गाइज शाम का टाइम हो गया, और अभी मैं आई हूँ छत पर बच्चों को लेके, तो थोड़ी देर हम ना डेली 1 घंटा लेके आती हूँ मैं बच्चों को, और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से खेल के जाते हैं, तो थोड़ा खुश भी रहते हैं घर में। आपको पता है देखो दिल्ली में आने के बाद में पालम में तो ऐसा कुछ आसपास पार्क भी नहीं है जो बच्चों को खिला लें हम इधर उधर, तो हम छत पे ही खिला लेते हैं, काफ़ी बड़ी मेरी छत है। और गाइज है ना, देखो मैं आपसे बहुत चीज़ें ऐसी है जो मैं शेयर नहीं कर पा रही, और वीडियो भी मैं डेली नहीं दे पा रही क्योंकि कुछ है ना, अभी गांव जा कर आए तो इशू का भी स्कूल का होमवर्क वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो मैं ब्लॉग वगैरह नहीं दे पा रही। पर आपको एक चीज़ बताऊँ, जो ये ना बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भाई दीदी ये ड्रेस कितने की है, ये ड्रेस कितने की है, तो मैं आपको बताऊँ ड्रेस के बारे में। तो गाइज है ना, मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा आज का ब्लॉग डला था उसमें आपको, और इंस्टा पे भी मेरी 1-2 रील डल रखी है, तो आपको ना जो भी ड्रेस पसंद आती है ना, देखो आप मुझे पूरी ड्रेस होके मैसेज करते रहोगे कि इसका प्राइस बताओ, इसका प्राइस बताओ, इसका बताओ, तो ऐसे तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। आपको जो उन ड्रेसों में एक जिसको लेनी है और पसंद आ रही है ना, तो एक ड्रेस का मुझे आप, मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो कि दीदी ये ड्रेस कितने की है, तो उसका मैं जवाब दे दूँगी आपको। फिर मैं एक ड्रेस का जवाब देती हूँ कि ये ड्रेस इतने की है, तो आप दूसरी स्क्रीनशॉट भेजते हो, तो फिर मैं उसका देती हूँ, आप तीसरा भेज देते हो। तो देखो भाई, आपको लेनी हो तो आपको जो ड्रेस पसंद आ रही है उसका ही आप स्क्रीनशॉट भेजा करो मुझे,
कि हमें ये ड्रेस लेनी है, तो मैं आपको उसकी प्राइस बता दिया करूँगी। और प्राइस का कोई देखो इशू नहीं है, आप सोचो कि इतनी भाई इतनी ज़्यादा प्राइस, तो मैं तो आपको सही बताऊँ ना, मैं तो 200 रुपये भी नहीं बचाती। जो दुकान वाले भैया की रेट होती है ना, वही मैं उनसे पूछ के बता देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है कि आप लोगों की, मेरे जो मेरा समाज की जितने भी बहनें हैं, जितनी भी मेरी जो भी लगती है, जो कई ऐसी है जो नहीं ले पाती है, तो आपको रीजनेबल रेट लगाऊंगी। वो भैया भी देखो मेरे को उनकी, मैं खुद भी वहाँ से शॉपिंग करके लाई हूँ, ऐसा नहीं है कि हम 10-12 ड्रेस खरीद के लाए हूँ वहाँ से, तो मुझे उनकी रेट बहुत अच्छी लगी और ठीक रेट लगाते हैं वो, उनका कपड़ा भी अच्छा होता है और उनकी आईडी भी सही है। तो मुझे और आपको ना, मतलब चाहे आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर लो, चाहे आप मुझे कर लो, मेरे थ्रू बनवाती हो तो मेरी जिम्मेदारी है पूरी, कपड़े से लेके और पैसों से लेके सारी चीज़ की। तो आप है ना नो टेंशन रहा करो कि लहंगे में घेर नहीं आएगा, कैसा लुक होगा, जो सब कुछ अच्छा होगा, सिलाई वगैरह फिनिशिंग बहुत अच्छी है उनकी, मैंने खुद ने बनवाई है कई ड्रेसें। तो आप ना मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करो, और जिसको लेनी है ना वही भेजो। देखो कई ऐसे होता है कि पूछने के लिए कि प्राइस पूछ लेते हैं बस, तो वही आपके, देखो आज समय एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी के पास नहीं होता। मेरा आपका, मेरा मतलब कहने का ये कि आप अगर ड्रेस ले हो ना तो ये मुझे मैसेज करो, अदरवाइज ना करो। और कई लोग ना कॉल भी करते, तो कॉल तो मैं देखो किसी का अटेंड नहीं कर पाती हूँ, कॉल मैं उसी को करूँगी जिनका ऑर्डर आ चुका होता है ना मेरे पास, कि इनका कंप्लीट ऑर्डर आ गया, तो फिर मैं आगे से उनका कॉल करके उनका मेजरमेंट पूछ लेती हूँ कि आपकी जो भी आपकी लंबाई वगैरह है वो मुझे बता दो। तो गाइज इस ब्लॉग का एंडिंग हम यही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और सारी बातें नेक्स्ट ब्लॉग में करते हैं। और देखो अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है, और खूब सारा प्यार दो गाइज। और आगे भी मैं आपको नए नए कलेक्शन बताती रहूँगी और अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और बाय बाय।